इस मीट में आप लोग को एक बहुत पुराना लगभग 18 ईयर ओल्ड मर्डर केस का डिटेक्शन हमारे टास्क फोर्स एडिशनल डीसीपी चैतन्य कुमार और उनके लीडरशिप में हुआ, जिसमें कि राजेंद्र नगर एसीपी अशोक चक्रवर्ती और उनका पूरा टीम का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा रहा। यह मर्डर जून 2001 में हुआ था और ये केस साइबराबाद का मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन का केस था। इस केस में जो तीन अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है सैयद हाशम, मोहम्मद राशिद, बशीर अहमद और इसमें एक एब्सकॉन्डिंग लेडी है जिसका नाम श्रीमती मासूदा बी, जिसका एज अभी 70 इयर्स ओल्ड है और अभी ये एब्सकॉन्डिंग है। इस केस का डिसीज्ड मोहम्मद खाजा एलियस जला हुआ खाजा, सन ऑफ मोहम्मद साहब, एज 30 इयर्स एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, ये चंद्रायन गुट्टा का रहने वाला था और बचपन से ही गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, ये सब के वाइसेस के कारण इसको घर में काफ़ी परेशानी होती थी और इसके भाई बहन जितने थे और ब्रदर इन लॉ सबके साथ इसका रिलेशन बहुत ख़राब रहता था। घर में अपनी मदर को इतना ज़्यादा ये हरास करता था कि मदर परेशान होकर घर छोड़कर एक दूसरे घर में जाकर रहने लगी थी और उसके बाद नए घर में भी आकर ये सभी लोग को परेशान करता था। इसका कारण कि उसको शुरू से ही ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स और बाकी सब सोशल वाइसेस का आदत लग गया। परेशानी से इतने ज़्यादा ये लोग हो गए कि ब्रदर इन लॉ सब मिलकर एक हाशम को बुलाए और ये लोग सब मिलकर एक दिन खाजा को एक ग्रेप गार्डन में ले जाकर सब लोग मिलकर टॉडी पिए उसके साथ और उसके बाद स्टोन से उसको वहीं पे उसका मर्डर किए। इस एंटायर केस में जो 2001 का केस है, एक्चुअली कोई क्लूज पहले नहीं था, इसीलिए लोकल पुलिस उसको अनडिटेक्टेड डिक्लेयर करके केस क्लोज कर दी थी। हमारे टास्क फोर्स को जब इन्फॉर्मेशन आया और उसके बाद मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन साइबराबाद से मदद लेकर एसीपी अशोक चक्रवर्ती से हेल्प लेकर ये केस डिटेक्ट हुआ और इस केस में तीन अक्यूज अरेस्ट हुए। इस केस से ये प्रूफ होता है कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो कमिटमेंट है कि कोई भी ग्रेव केस, नया हो या पुराना हो, पहले अगर वो डिटेक्ट नहीं भी हुआ है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केस को डिटेक्ट करना और उसके जो सही अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करके अदालत के सामने पेश करना। थैंक यू।